every point on the number line is of the form root m, where m is natural numbers. Is it correct? Every point on the number line is of the form of root m, where m is natural number. हमारे पास एक क्या है, number line. इसमें कह रहा है कि कोई सा भी अगर हम point लेते हैं, अगर हमने point लिया 4, तो ये किसी ना किसी का under root होगा. यानी ये 16 का root है, जो 4 है. अगर 2 है तो root 4 का है. अगर 3/5 है, 3/5 है तो किसका हो गया, अंडर रूट 9/25 का. ठीक है, अगर आपके पास रूट 3 है तो ये किसका हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 ओनली. रूट है तो रूट इटसेल्फ है ही पॉइंट. क्या ये ट्रू है? नो, फॉल्स. जहां पे m नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और दिस इज नॉट नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, 9/25 इज नॉट नेचुरल नंबर. ये कह रहा हर नेचुरल नंबर होना चाहिए. यानी 3/5 एक पॉइंट है, वो पॉइंट भी रूट m किसी रूट m के बराबर होगा. तो लेट अस सपोज 3/5 किसी रूट m के बराबर होगा. m माना m इज इक्वल टू व्हाट, 3/5 का स्क्वायर व्हिच इज 9/25. तो 9/25 को एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, फॉल्स. और दूसरा ये भी है कि इसमें अगर हमारे पास -4 है तो -4 इज इक्वल्स टू रूट एम कभी भी नहीं होगा. यानी आप याद रखें कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव. जो -4 इक्वल टू रूट एम है, आप याद रखें कि जो एम है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है. जो रूट एम है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, पॉजिटिव फंक्शन है. कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, एनी वैल्यू, इसका जो आउटपुट आएगा, इसके जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. ओनली इफ इट इज केस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसी ग्राफ ऐसे कुछ बनती है. ठीक है, तो x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू आती है, x के निगेटिव वैल्यू के लिए ये आउटपुट है ही नहीं इसका. मतलब x के -4 अगर हमने पुट कर दिया तो ये इमेजिनरी नंबर होता है. 2i लिखते हैं इसको, ये इमेजिनरी नंबर है. बट यहां पर हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं, रियल नंबर का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ठीक है, तो ये हम निगेटिव नंबर का भी, निगेटिव नंबर के लिए ये फंक्शन है ही नहीं, राइट. उसके बाद अगर कोई यहां पे कुछ भी वैल्यू दे, ये हमेशा उसको पॉजिटिव वैल्यू देता है. अब यहां पर एक बहुत फेमस कोचिंग क्लासेस है जो कि इंडिया में बहुत सारे ऐप उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं. उनके एक वेब सीरीज में मैंने देखा था, वेब सीरीज नहीं, उनके एक यूट्यूब सीरीज पे उनके एक टीचर वो ये बताते हैं कि -9=9. कैन यू प्रूव दैट -9=9? ही इज सेइंग, पहली बात, बच्चा लोग -9 और 9 कभी प्रूव हो ही नहीं सकता. ये जो कभी भी आप पढ़ोगे 0=1 प्रूव कर दिया, 2=4 प्रूव कर दिया, ऑल आर बकवास. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कुछ भी कुछ प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब पे आपको बिलीव नहीं करना है. ठीक है, इन सब का कंक्रीट सॉल्यूशन है कि ये सब क्यों नहीं होता, आगे आप पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा. तो उस लेक्चर में वो कह रहा है कि -9=9. इज अ गुड टीचर बट कहीं ना मिस्टेक होता है, मुझसे भी होता है मिस्टेक. तो -9=9 वो कैसे प्रूफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं x square
is equals to 81, x equal to 81. और फिर उसके बाद कहते हैं इसका रूट जो है, इस रूट का आउटपुट, इस स्क्वायर रूट का, इस स्क्वायर रूट का आउटपुट माइनस और नाइन, माइनस नाइन और प्लस नाइन दोनों होता है इस स्क्वायर रूट का, बट हम लोग यहां पर सिर्फ प्लस नाइन लेंगे, माइनस नाइन नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे हम लोग, नहीं लेंगे. उनका कहना है नहीं लेंगे. व्हाट इज दिस नहीं लेंगे? सॉरी, एक्स का जो वैल्यू है ना वो प्लस माइनस नाइन हो सकता है क्योंकि यहां पे एक्स का रूट है, बट स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. सो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज दिस पॉजिटिव. सो व्हेन ही इज सेइंग एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड दिस आउटपुट्स प्लस माइनस नाइन, रॉन्ग. ये क्या होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये विच इज प्लस माइनस नाइन, ये आपको हमेशा नाइन देगा, बट चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स उधर गया तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा. आगे इसको बताएंगे हम लोग, इसमें और भी अच्छा है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, ऐसा ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये हो गया, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 81 ग्राफ ये हो गया. तो y इज इक्वल टू 81 का हमने यहाँ पे इसको लाइन खींच दिया, ये देखा कहाँ पे कट किया, x इक्वल टू माइनस नाइन पे कट किया, और ये कहाँ कट किया, प्लस नाइन पे कट किया, इसलिए ये दो रूट हुआ जो x को सेटिस्फाई करेगा. बट रूट ओवर 81 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ x दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट कोई लिखता है x स्क्वायर इक्वल टू 81, यस यहां पर x दो वैल्यू देगा, बट अगर कोई x इक्वल टू रूट ओवर 81 लिखता है तो वो सिर्फ 9 होगा. यानी आपको एक और चीज सिखाने को बताता हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 81 एंड x इक्वल टू रूट ओवर 81, ये दोनों सेम नहीं है. यहां पर x का वैल्यू माइनस नाइन और नाइन दोनों सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर x की वैल्यू सिर्फ नाइन सेटिस्फाई होगी. इसकी ग्राफ कैसे होगी? ये दो पॉइंट, इसका ग्राफ कैसे होगा? ठीक है, ये एक जगह इंटरसेक्ट किया x इक्वल टू 9 पे, ये x इक्वल टू 9 और माइनस 9 पे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. ठीक है, सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, फॉल्स. व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज 3 बाई 2 को हम लोग स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते. लिख सकते हैं बट m नेचुरल नंबर यहां पे कह रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा, और निगेटिव लाइन, निगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस इज फॉल्स.